क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म के अंदर ये बताया गया है कि एक सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ उसको आई से डिफाइन करते हैं। आई जितना ज़्यादा होगा सब्सटेंस उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, और आई की वैल्यू दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक उस मैग्नेट का जो है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म होती है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी खत्म होती है अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और दूसरा डिपेंड करता है आपने बी कितना अप्लाई किया था, बी तो आई किस पे डिपेंड करता है, बी पे, और आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी पे। लेकिन बी फर्दर किस पे डिपेंड करता है, एच पे, तो बी की जगह एच भी पुट कर सकते हैं, तो आई किस पे डिपेंड करता है, एच पे और टी पे। तो यहाँ पे आई और एच एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, आई और एच की रेशियो क्या है, काई, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट सी जिसको क्यूरीज कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया काई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब अगर किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका काई कम होगा, और काई कम होने का मतलब वो कम मैग्नेटिक होता जाएगा। जैसे फेरो है, फेरो का टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहेगा नहीं, तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा में। तो जब फेरो पैरा में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है। तो टेम्परेचर के साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, ये लॉ ये बताता है बस।